आयुष ऋषि के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और चिल्लाता है क्योंकि ऋषि उसको सारी बातें बताता है कि किस तरह से लक्ष्मी ने उसे इतना कुछ सुनाया और वो काफी ज्यादा लक्ष्मी से गुस्सा है। तो यहाँ आयुष कहता है कि सारी गलती आपकी है, उनका पूरा हक था आपको सुनाने का क्योंकि आपने उनको क्या क्या नहीं सुनाया था, आपको याद है आपने हत्या करने का इल्जाम तक उनके ऊपर डाला था, उन्होंने सब सुन लिया था, तो क्या आप नहीं सुन सकते थे। यहाँ ऋषि के ऊपर आयुष काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए दिखाई देने वाला है। वहीं पर लक्ष्मी कहती है पारो को कि हम लोग गाँव वापिस जाएंगे, तो पारो जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती और कहती है क्या गाँव में कोई डैड होंगे मेरे, और यहाँ पे पारो बिल्कुल भी उदास हो जाती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि मलिष्का अपनी मॉम को कहती है कि लक्ष्मी की शहर में रहने की वजह उसकी बेटी है ना, तो अब मैं ऐसा करती हूँ उसकी बेटी को उसकी जिंदगी से हटा देती हूँ। नीलम ये सारी बातें सुन लेने